अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे टीक वुड पॉलिश। ये देखिए, इसके लिए हमने लिया है मीटर वाला रेक माल। इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। ये देखिए, जो ऊंचा नीचापन होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। ये देखिए, गोलाई हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जितना हम इस पर रेगमाल लगाएंगे उतनी हमें पॉलिश में फिनिशिंग मिलेगी। ये देखिए, इसके लिए हमने ली है दाने वाली स्पिरिट और इसको कपड़ा रखकर छानना होता है। ये देखिए, अब हम इस पर एक हाथ लगाएंगे। हमने इसको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। पॉलिश का हाथ भरकर लगाना होता है। ये देखिए, इसके लिए हमने लिया है वुड फिलर एशियन कंपनी और इसमें हमने थोड़ा सा टर्किम्बर डाला है। ये देखिए, जहाँ जहाँ गड्ढा है उसको हम भरेंगे। जो लकड़ी में फटन होती है उसको भरना होता है। अब हम इस पर रेगमाल लगाएंगे। 120 नंबर का हमने रेगमाल लिया है। जहाँ जहाँ हमने रिपेयर की है उन सब पर रेगमाल लगाना है, जिससे कि हमारी लकड़ी में अच्छी फिनिशिंग आए। ये देखिए, रेगमाल हमारा पूरा हो चुका है। अब हमने इस पर दाने वाली स्पिरिट का एक हाथ लगाना है। ये देखिए, देखिए हमने इसके लिए लिया है टर्की अंबर वार्निश और तारपीन। इसको हमने अच्छी तरीके से घोल लिया है। ये देखिए, अब हमने इस पे लगाया है। और इसको अच्छी तरीके से साफ करना होता है। अगर आपको डार्क पॉलिश चाहिए तो इसको हल्के हाथ से साफ करना। ये देखिए, ये हमने इसको पूरा साफ कर दिया है। अब हमने इसको पक्का करना है। इसके लिए हमने दाने वाली स्पिरिट ली है। इसको हमें सही तरीके से पक्का करना है। ये देखिए, हमने पक्का कर लिया है। सूखने के बाद हमें इस पर सैंडिंग करनी होती है।
जिससे कि मोटा मोटा इस पर जो दाना आ चुका है वो सब ठीक हो जाए। अब हम इस पर सीलर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने वैमले का सीलर लिया है और वैमले का थिनर लिया है। आप चाहें तो इसमें ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भर के लगाना होता है जिससे कि लकड़ी की नस में ये सीलर पहुंच जाए। देखिए हमारी टेबल तैयार होती जा रही है। ये देखिए हमें फिनिशिंग भी अच्छी मिल गई है।